सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जिस दिन गुरु को समर्पित होता है जीवात्मा, जिस दिन किसी गुरु को जिस दिन समर्पित होता है, जिस दिन गुरु कान में ब्रह्म गायत्री की फूंक मार देता है और परंपरागत मंत्र को डाल देता है, उसी दिन दुर्भाग्य का सदा सदा के लिए नाश हो जाता है। उसी दिन, उसी क्षण वो सौभाग्य का बीज बो देता है और दुर्भाग्य को सदा सदा के लिए नाश कर देता है। इस दुर्भाग्य की काली छाया फिर कभी जन्म जन्मांतर तक आती नहीं है उसके जीवन में, जो किसी गुरु की शरण हो जाता है, जिसके कान में गुरु का मंत्र पड़ जाता है। गुरु के मंत्र में इतनी पावर होती है, वो मंत्र नहीं होता है, वो ब्रह्म होता है, वो ब्रह्म का बीज होता है। जैसे बटवृक्ष होता है ना, उसका बड़कुला तो इतना बड़ा होता है, लेकिन बड़कुला के अंदर में जो बीज होते हैं ना, बहुत छोटे छोटे, बहुत बारीक होते हैं। लेकिन जैसे ही उसको थोड़ी सी नमी, थोड़ी सी भूमि, थोड़ी सी उसको वायु का सहारा मिला, तत्काल अंकुरित होकर के और ये चौड़े पत्ते देता है और ऐसा वटवृक्ष बनता है। कितना लंबे क्षेत्र में वो फैल सकता है, कोई सीमा नहीं है उसकी। ऐसे ही वो मंत्र छोटा सा है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बड़ा है, विराट बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाएगा। बसरते जैसे श्रवण किया है, वैसे ही उसको मनन निधिध्यासन करके और जीवन में उसको आत्मसात करें। मुक्ति मरने के बाद नहीं कि मरने के बाद मुक्ति, जीते जी मुक्ति का आनंद। ये एक जो निश्चिंतता का जीवन है, ये भी एक जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि जीते जी चिंताओं से मुक्त हो जाना। और ये भागवत जी करती है, जीते जी चिंता मुक्त कर देते।